हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में लॉगरिथम यानी कि लघुगणक के बारे में अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। लघुगणक यानी कि लॉगरिथम का यूज हम मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए करते हैं। इसके लिए कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, उन फंडामेंटल फॉर्मूले को समझने के लिए, अप्लाई करने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बेटा, इसके लिए सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर वन, लॉग एम टू दी पावर एन इक्वल्स टू होता है एन लॉग एम। ठीक, इस फॉर्मूले को यूज हम कैसे करते हैं, जरा बोर्ड पे देखिए ध्यान से। लॉग कहीं पर अगर लिखा है सपोज 4, तो आप लॉग 4 के फैक्टर करेंगे तो इट कम्स लॉग 2 की स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं n का रोल प्ले कर रहा है कौन, ये 2, तो इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 लॉग 2। अब लॉग टेबल से हम लॉग 2 की वैल्यू देख देंगे और 2 इंटू ये आएगा 0.3010 और फाइनली इट कम्स जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू होगी लॉग 4 की। ठीक, इस तरीके से हम नंबर वन फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ठीक, इसमें जो दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा, दैट इज नंबर टू फॉर्मूला, लॉग m इंटू n इक्वल्स टू लॉग m प्लस लॉग n, राइट अगर इस फॉर्मूले को हमें यूज करना है तो हम कैसे यूज कर सकते हैं, जरा बोर्ड पे देखिए, एक एग्जांपल से उसे भी एक्सप्लेन करूंगा मैं। सपोज हमें लॉग 6 की वैल्यू लिखनी है, ठीक, जरूरी नहीं कि हमें लॉग 6 की वैल्यू याद हो, लॉग टेबल से देखिए, हम इस फॉर्मूले के बेस पर भी लॉग 6 को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, इस तरीके से लॉग 6 को हम फैक्टर करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे तो यह आएगा 2 इंटू 3। ठीक, अब ये 2 प्ले कर रहा है रोल m का और ये 3 n का रोल प्ले कर रहा है, तो फाइनली अप्लाई करेंगे वो फॉर्मूला तो log 2 प्लस log 3। अब log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, उसी तरह से log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू log 6 की होगी। ठीक, तो ये नंबर 2। ठीक, इसी तरह फॉर्मूला नंबर थर्ड आता है, लॉग एम अपॉन एन इक्वल्स टू होता है बेटा लॉग एम माइनस लॉग एन। ये आपका फॉर्मूला नंबर थर्ड है। इस फॉर्मूले को हम कैसे अप्लाई करेंगे, बोर्ड पर देखिए ध्यान से। सपोज कहीं पर लिखा है लॉग 3/2, ठीक, या कहीं पर लिखा है लॉग 5/2, तो आप क्या करेंगे, एम अपॉन एन को यहां अप्लाई करेंगे तो इट कम्स log 5 माइनस log 2। अब log 5 की वैल्यू क्या होती है, 0.6990 माइनस log 2 की 0.3010, जो भी सब्सट्रैक्ट करने पे आएगा वो वैल्यू होगी log 5/2 की। सो बच्चों, ये तीन बेसिक फॉर्मूले थे लॉगरिथम से रिलेटेड, लॉग से रिलेटेड। इसके अलावा एक चौथी इंपॉर्टेंट चीज और है लॉग से रिलेटेड, वो क्या है देखते हैं। सपोज आपको log 2 बेस e की वैल्यू लिखनी है और कहीं आपने इस वैल्यू को लिख दिया 0.30, जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में लिखी थी, तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि log में जितनी भी वैल्यूज हमने लिखी है वो सारी की सारी वैल्यूज होती है। जैसे मैंने log 2 लिखा था प्रीवियस एग्जांपल्स में, तो वो log 2 की वैल्यू बेस 10 में थी, उस कंडीशन में इसकी वैल्यू 0.3010 होती है। यानी जितनी भी log 3, log 2, log 5 जितनी की भी वैल्यू हमने लिखी है प्रीवियस एग्जांपल्स में या जो हम करते हैं वो बेस 10 में लेते हैं। ठीक, बेस e में अगर log 2 की वैल्यू मैंने ये लिख दी तो ये एक रॉन्ग आंसर होगा। बेस e क्या होता है, सबसे पहले ये समझ ले, बेस e स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल टर्म। हिंदी में एक्सपोनेंशियल को हम चरघातांकीय कहते हैं। तो एक्सपोनेंशियल टर्म को हम किस तरीके से, यानी कि log 2 बेस e, बेस ई को किस तरीके से बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमें सही आंसर ऑब्टेंड हो। तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.30 से। मल्टीप्लाई करने के बाद ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया बेस 10 में। तो एक्सपोनेंशियल टर्म को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों 2.3010 से। तो ये फोर्थ कॉन्सेप्ट था लॉगरिथम से रिलेटेड। सो ये चार फंडामेंटल फॉर्मूले थे लॉगरिथम से रिलेटेड। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।